ऐसे ही कमाई मैं करके दिखा दूंगा। केलों की रेडी सही रहेगी, वो लगा लेते हैं। केले? ओ, मेरा मतलब ये ले ले, मुझे बात करनी है तुमसे। कहो। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। ओफो, रहा नहीं जाता। एमी, नहीं लड़कियों ने मेरे पीछे ब्लेड मारी। दिखाओ कहाँ मारे। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मीरब ने अभी से ही अपनी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी, क्योंकि भाइयों के काम बहनें ही करती हैं ना, मेरा मतलब घर की लड़कियां ही करती हैं ना। जाओ जाकर चाय बनाओ, मुर्तसिम को अच्छी चाय पीने का बहुत शौक है। साथ केक रस लाजमी होने चाहिए। तेरा प्यो ले गया ऐसी केक रस। चले मैं फिर बिस्किट ले आता हूँ। खबरदार, अगर मेरे पर्स में से पैसे चुराए तो। आपसे पूछने ही वाला था। पैसे मत चुराना अगर तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल है। आपकी इज्जत का बहुत ख्याल है, लेकिन अकेले चाय पीना मेरी गैरत गवारा नहीं करती। और रही बात आपके पैसों की, वो मैं जल्दी लौटा दूंगा। 10-10 रुपए करके 1,00,000 रुपया कर्जा चढ़ाया तू। उम्र सारी उठ जाओ ए, 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 कम ते जाओ ए, ए, बेले आओ ए, ए, कम ते तुमसे शादी नहीं करनी। ये तो बिस्किट खाने के बगैर भी कह सकती थी। No way! पता नहीं लोग कैसे उनसे शादी कर लेते हैं जो उनके साथ जरा भी मैच नहीं होते। तुमसे ज्यादा गहरी मूछें तो मेरी हैं। बोले 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 बोले। तुम्हारी तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने साइन किए हों। अगर इतना ही बुरा लगता हूँ तो जाकर कह दो कि नहीं शादी करनी मुझसे। पहले तुमने मेरे बिस्किट खाए, फिर मेरा मजाक उड़ाया। मैं चाहता हूँ तुम्हारा मजाक उड़ा सकता था, लेकिन मैं मरासी नहीं हूँ। तुम्हारे जैसा मुंह तब बनता है जब कान में तेली मारे। मुर्तसिम हर वक्त बिस्किट की वजह से ही लड़ता रहता है। चलो उसका तो इंतजाम हो गया। ये मुर्तसिम के नहीं हो सकते, ये मेरे पापा लेकर आए हैं। मतलब मेरे मुर्तसिम की कोई वैल्यू नहीं। जी मीरब, चुप हो जाओ। ये कहां का इंसाफ है कि जो चीज हम अपने लिए लाएं वो हमसे छीन ली जाए। जो मर्जी कह लो, शादी तो तुम्हारी इसी खानदान में होगी। मैं ऐसे खानदान में बिल्कुल शादी नहीं कर सकती जहाँ पे एक बिस्किट से लड़ाई होती हो। बस करो, तुम वही करोगी जो सब चाहेंगे। भूल है आप सबकी, मैं ऐसे कंजूस लेंज खानदान में बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। वकास, मेरे ख्याल में यही सही वक्त है, मीरब को जाके सच बता दो। साइड बैठो। बेबी, बेबी। बेटा नाल दी गली चा। कल गई तो थी तुम बाइक लेकर कराची। मैंने बाइक पे कराची पहुंच जाना था, बस रस्ते में एक कुत्ता आ गया। चले पापा उठे, कराची चले। बेटा चले पापा। बेटा मेरे पास किराया नहीं है, मुझे कराची लेकर। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, नहीं हूँ तुम्हारा बाप। आपने इसलिए कहा कि आपके पास किराया नहीं है? किराए की बात नहीं है, वो तो मैं इससे भी उधार ले सकता हूँ। असल बात यह है कि मैं तुम्हारे दूर का पापा हूँ और ये तुम्हारे पास के पापा हैं। मीरब, बकवास बंद करें अपनी। आया वड्डा प्यो बनानू।
वखरा सिर ते आटा लाया। बेटा आटा नहीं है, डैंड्रफ है। आप बताए मुझे अगर मैं आपकी बेटी नहीं थी तो मैं आपको पापा क्यों कहती थी, बताए मुझे। तुम सच सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम इस बच्ची को पाल लो क्योंकि ये मुझे पापा कहेगी। मुझे अब्बू लफ्ज पसंद है, तुम्हें तो पहले ही सब पापा कहते हैं। एक मिनट, आपको सब पापा क्यों कहते थे? क्योंकि मैं दाल चावल बेचता था, पापा दाल चावल। आप दाल चावल बेचते थे और आपने मुझे आज तक खिलाई नहीं, क्या फायदा दो अब्बू होने का जब एक प्लेट चावल नहीं खिला सकते। आप दोनों से अच्छा तो मेरा कोई बिरयानी बेचने वाला अब्बू होता। कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, कल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बाइक मारकर फरार हो गई? छोड़ो मुझे। तुम नहीं जाओगी? मैं जाऊंगी और तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार के जाऊंगी। तुम ज्यादा नहीं फ्री हो रही? कल तुमने बाइक मारी है, आज तुम थप्पड़ मारने का कह रही हो, कल तो तुम मुझे ही मार दोगी। मारूंगी, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम, हैं? क्या कर लोगे? और उस पे हाथ उठाओगे बगैर इंसान? उठ जाओ ए, ओ, ए, ओ, ए, काम मत। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मेरा बेटा तुम ठीक हो? इसने मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने तो चाचू अभी कुछ किया ही नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पापा। हाँ बेटा। आपको नहीं, दूसरे पापा को कह रही हूँ। पापा। वो तो अपने घर चले गए हैं। मुझे भी घर जाना है। मैं ले जाता हूँ। चलो मेरा बच गया। सुबह से सफर में है, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। मैंने इसे कहा कहीं स्टे कर लो, इसने दरबार पे स्टे कर लिया। या अल्लाह, यहाँ कुछ मजेदार खाने को ही मिल जाए, सिर्फ मुझे मिले। आमीन। या अल्लाह, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ और मीरा मुझसे ज्यादा गुस्से वाली है। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी और मेरी शादी की भी उम्र हो गई है, तो या अल्लाह मेरी और इसकी शादी कर दे। आमीन। सबकी सुनता है बेटी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे हूँ, मन्नत मांगी थी कि मेरा काम हो जाए, फिर मैं पूरे 4 साल 10 घंटे बाद चावलों को हाथ लगाऊंगा। पूरा 4 साल हो गए, बस 10 घंटे बचे हैं, फिर मैं आराम से चावलों को खाऊंगा। परेशान मत हो, मैं चावल लेने गई थी। मुझे भी दो। मैं आगे बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ। उम्र सारी मेरे चावल। ये क्या तरीका है, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मैं मुर्तसिम से शादी करने के लिए राजी हूँ। माशाल्लाह, क्या जादू कर दिया तुमने बच्ची पे। बस मैं अब अकेले जलील नहीं हो सकता। हाय, परेशान ना हो, शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ेगी तो काम भी करने लगेगा। ये काम कहाँ से आ गया बीच में? तो फिर क्या भूखी मारेगा इसे? एक आधी रोटी खाएगी ये, और उसके लिए मैं काम करूं? और ज्यादा आटा खरीद लेना। सारा आटा तिहाई सिर ते ला लेंदा। आटा नहीं है, डैंड्रफ है। पता है? मां को गले नहीं लगाओगे? मुझे सोचने का वक्त चाहिए। गले लगाने के लिए क्या सोचना? मैं नौकरी नहीं करूंगा, अपना कारोबार करना है मुझे।
माशाल्लाह। चलो या बेटा पे है यही तो पिलाओ। उठ जाओ ए, ओ, ए, ओ, ए, कम पे जाओ ए, ओ, ए। ये नहीं मेरी पसंदीदा गाना लगाएं। ये क्या कर रही हो भैया? What a song, baby song by Norvex Sound DJ Max. Yo yo. भैया बेटा कहाँ गुम हो गई? क्या होती है सही कमाई? मैं करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, मैं नौकरी नहीं करूंगा।